तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम लाइट को रे की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट रेज की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं और हमेशा टू रे डायग्राम का यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट को अगर हम डिफाइन करें तो ऑब्जेक्ट वो पॉइंट है जहाँ से जो लाइट रेज है वो इमिट हो रही है, ओके, आइदर एक्चुअली और अपीयर टू इमिट फ्रॉम अ पॉइंट, इट इज़ कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। दिस ऑब्जेक्ट कैन डिवाइड इंटू टू कैटेगरी, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वट इज मीनिंग ऑफ रियल ऑब्जेक्ट? फ्रॉम वेयर लाइट एक्चुअली इमिटिंग, ओके, दैट पॉइंट इज कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट। लाइक एनी ऑब्जेक्ट सराउंडिंग अस इज द रियल ऑब्जेक्ट, बट द वर्चुअल ऑब्जेक्ट इन ऑप्टिक्स वी हैव टू अंडरस्टैंड वट इज मीनिंग ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। पॉइंट वेयर इट इज लाइट अपीयर टू इमिट, ओके, दैट पॉइंट इज कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। लाइक इन दिस केस दिस ओ पॉइंट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। दिस ओ इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ओके। सो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज इमेज? जैसा हमने कहा कि रे ऑप्टिक्स में हम क्या करते हैं, रे ऑप्टिक्स में हम रेज की हेल्प से लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ। जो रेज होगी वो अपने पाथ से डेविएट होगी, ओके, एंड आफ्टर द डेविएशन, आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ओके, एंड रिफ्रेक्शन, इट मे बी पॉसिबल दैट एट अ सिंगल पॉइंट दिस ऑल रेज विल मीट और अपीयर टू मीट, ओके। सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड इमेज। वहाँ पर इमेज बनेगी जहाँ पर वो एक्चुअल में या फिर अपीयर, ऐसा लगेगा अपने को कि वहाँ पर मिल रही है, वहाँ पर इमेज बनेगी। तो रियल इमेज हो सकती है जहाँ पर एक्चुअल में लाइट रेज मीट करती है, और वर्चुअल इमेज हो सकती है जहाँ पर अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट। जैसे कि यहाँ पर बाई कॉन्वेक्स लेंस, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, वेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F, वेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F, देन इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड एट 2F। 2F पे ही बनती है, ठीक है। अगर F पे रखेंगे तो इनफाइनाइट पे बनेगी, और इनफाइनाइट पे रखेंगे तो F पे बनेगी, पर 2F पे रखते हैं तो 2F पे बनती है। ये केस अभी आपको भले ही समझ में नहीं आया होगा, पर जब मैं आपको कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा दूंगा तब ये सारा केस आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है कि रियल इमेज जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड होता है। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट का क्या मतलब, ये हमने कल भी देखा था कि ऑब्जेक्ट अगर इरेक्ट है तो इमेज इन्वर्टेड होगी, और ऑब्जेक्ट अगर इन्वर्टेड है तो इमेज इरेक्ट हो जाएगी। विथ रिस्पेक्ट टू, वो जो भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन है उसके रिस्पेक्ट में वो इन्वर्टेड होगी। सेम एज इट इज़ वर्चुअल इमेज का केस हमने देखा था। वर्चुअल इमेज मतलब कि जहाँ पर लाइट अपीयर टू मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन फ्रॉम दी डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, लाइक प्लेन मिरर। इस केस में प्लेन मिरर, अगर इस ए से दो रेज को हम इंसिडेंट इस प्लेन मिरर पर करवाते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो डाइवर्स होगी, वो डाइवर्स होगी जैसा डायग्राम में दिख रहा है। और अगर इन रेज को हम यहाँ से देखते हैं तो हमको ऐसा लगेगा कि ये रेज कमिंग फ्रॉम ए डैश, ओके। सो इट इज़ द वर्चुअल इमेज, इट इज़ वर्चुअल इमेज, ओके। एक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है, इन केस ऑफ प्लेन मिरर, इन केस ऑफ प्लेन मिरर, इन केस ऑफ प्लेन मिरर, इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल, ओके। वो हमेशा क्या होगी, वर्चुअल होगी। तो वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये एक छोटा सा पॉइंट हमें याद रखना है। यहाँ तक हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की। आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन। हमको बचपन से ही पता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना ऑफ लाइट इन विच इट रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम व्हेन इंसिडेंट ऑन एनी ओपेक सरफेस, ओके। व्हेन लाइट
when light incident on any surface, it return back to the same medium. This phenomena of light is called reflection. अगर हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. इट कैन बी डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन. पहला क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, अगर सरफेस स्मूथ है, ये कोई सरफेस स्मूथ है, तो जो लाइट रेज, पैरेलल लाइट रेज इस स्मूथ सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल राइज लाइट रेज, और रिफ्लेक्शन के बाद में ये पैरेलल रेज पैरेलल ही रहेगी, ओके, तो इसको हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन. ओके, इसको हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, व्हेन पैरेलल लाइट रेज, व्हेन पैरेलल लाइट रेज remain parallel after the reflection, it is called regular reflection. It is called regular reflection. इसको हम regular reflection कहेंगे. और आपको एक concept हमेशा याद रखना है कि image formation जब कभी होगा तो regular reflection से ही होता है. ठीक है, image formation is only due to regular reflection. केवल regular reflection से ही image formation होता है, irregular reflection से image formation नहीं होता है. तो next हमको देखना है, second category of reflection is irregular reflection. So what is meaning of irregular reflection? When surface is not smooth, then what will happen? These are parallel rays. Incident on irregular surface are not parallel. कोई इधर जा रहा है. Are not parallel after the reflection. Okay, these are parallel rays. Are not parallel after the reflection. This type of reflection is called irregular reflection. Okay, when parallel rays after the
reflection. Is called irregular reflection. Okay, it's called irregular reflection when surface is not smooth. Okay, when surface is not smooth. Okay, when surface is not smooth, in this case the reflection is called irregular reflection. Okay, and by irregular reflection, images cannot form. इससे इमेज नहीं बन सकती. एग्जाम्पल हम देखें, जैसे कि पेपर, जो हमारा पेपर होता है उसमें इमेज बनती है क्या? उसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ पर इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, वो सरफेस स्मूथ नहीं है. ठीक है, आप देखेंगे वुडन सरफेस. ठीक है, जनरली जब पॉलिश्ड नहीं रहती है, नॉर्मल वुडन सरफेस जो होती है वो, उसमें रिफ्लेक्शन इरेगुलर होगा. ठीक है, और रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल हम देख सकते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन का मिरर सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर होगा, वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगा, तभी हम अपना चेहरा देख पाते हैं. और अगर हम बात करें वाटर सरफेस, ठीक है, वाटर सरफेस, ग्लास की बात करें तो ग्लास और मिरर तो एक ही चीज़ है, पर मिरर में हम क्या करते हैं, सिल्वरिंग कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं सिल्वर, तो वो मिरर हो जाता है. ठीक है, नहीं तो ग्लास सरफेस से भी रिफ्लेक्शन होता है. ठीक है, और ग्लास सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, कभी कभी आप देखेंगे ग्लास सरफेस में आपका चेहरा दिखता है कहीं कहीं किसी स्पेशल पोजिशन से, या फिर दूसरे का तो देख ही सकते हैं. ठीक है, तो ग्लास से भी रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है. ठीक है, तो इसलिए जब मैं डेफिनेशन लिखवा रहा था तो ओपेक की जगह अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा तो वहाँ से भी रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, ट्रांसपेरेंट मीडियम से भी रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, केवल ओपेक मीडियम से ही रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं होता. जस्ट अ मिनट. तो यहाँ पर हमको रिफ्लेक्शन के टाइप्स समझ में आए. ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है? सबसे पहले रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को आप समझो 3D में. ठीक है, तो यहाँ पर एक हम मिरर कंसीडर करते हैं, ये मिरर हमने कंसीडर किया. ठीक है, ये मिरर हमने कंसीडर किया, ये 3D में कोई एक मिरर है. ठीक है, अब इस मिरर के ऊपर एक नॉर्मल प्लेन कंसीडर करते हैं. ठीक है, एक नॉर्मल प्लेन कंसीडर करते हैं, ये नॉर्मल प्लेन. ठीक है, 3D में आपको समझना पड़ेगा, ये हमने एक नॉर्मल प्लेन कंसीडर किया. ठीक है, यहाँ पर ये नॉर्मल है, तो ये वाला रे थोड़ा सा
ये क्या हुआ? तो यहाँ पर एक नॉर्मल हमने कोड ड्रॉ किया और इसको इससे मिला दिया, ठीक है। एक नॉर्मल प्लेन है, ये नॉर्मल प्लेन है, ठीक है, इट इज़ द नॉर्मल प्लेन। ये है मिरर, ठीक है। अब एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, तो इस नॉर्मल प्लेन में एक नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं। तो नॉर्मल प्लेन में हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल है, ठीक है। थोड़ा सा और हम नीचे से बनाते हैं, ये नॉर्मल है, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ से फर्स्ट लॉ आपको 3D में अच्छे से समझ में आएगा, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये है नॉर्मल। ओके, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, इट इज़ द नॉर्मल, ये है नॉर्मल। तो फर्स्ट लॉ जो है वो क्या कह रहा है कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल, ऑल दिस थ्री आर इन सेम प्लेन। ओके, आर इन सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे, सेम प्लेन, ठीक है। एंड दैट प्लेन इज कॉल्ड, इज कॉल्ड प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, इज कॉल्ड प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब आप बोलोगे सर इसमें क्या नई बात है, ठीक है, ये तो ऐसा हो गई सही, पर ये आप तब समझ पाओगे जब आप इस नॉर्मल प्लेन को थोड़ा सा या इंसिडेंट रे को थोड़ा सा रोटेट करो, है ना। तो वापस से हम एक प्लेन मिरर बनाते हैं, है ना, तब आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। एक प्लेन मिरर हमने बनाया, ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है। ओके, अब इस प्लेन मिरर में नॉर्मल हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये नॉर्मल हमने ऐसा बनाया, ये नॉर्मल प्लेन लिया उसका, ठीक है, ये कुछ ऐसा, ये नॉर्मल प्लेन लिया और ये है नॉर्मल प्लेन, ठीक है। अब इंसिडेंट रे इस प्लेन में है ऐसा, ओके, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी, इसी प्लेन में होगी। अब थोड़ा सा आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि एक्चुअल में जब रिफ्लेक्शन प्लेन ही चेंज हो जाता है तो सारी चीज़ उसके साथ में चेंज हो, ठीक है। तो अब इस केस में ये जो है ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, ठीक है, एक ही प्लेन में हो। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया, फर्स्ट लॉ हमको समझ में आया, सेकंड लॉ की तरफ जाते हैं, ठीक है। सेकंड लॉ क्या कह रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो दिस इज अ प्लेन मिरर, ओके, इट्स अ प्लेन मिरर, वी कैन यूज सम डैश टू रिप्रेजेंट मिरर,
it is indicating on this side, right hand side, it is silvered, and left hand surface is reflecting surface, is a reflecting surface. So this is normal. Okay, it is incident ray and it is reflected. Okay, so this angle with normal is called angle of incidence. Okay, angle of incident ray with normal, this is normal. Okay, this is incident ray, the reflected ray. Okay, and this angle is called reflected angle of reflection. This I is called angle of incidence. Angle of incidence. What is meaning of angle of incidence? Angle of incident ray. Angle of incident ray with normal. Okay, it can be written as angle I like that. And for angle R, it is angle of reflection. It is angle of reflection. Angle of reflection. So what is meaning of angle of reflection? It is the angle of reflected ray with normal. Okay, angle of reflected ray with normal is called angle of reflection. Okay, so in case of reflection, for the phenomena of light, it is the reflection of light. This angle I is equal to angle R. Okay, this angle I is equal to angle R. Okay, and if we are using this concept, only by this concept we can form image by reflection. We can form image by reflection. Okay, this concept we have to use in case of reflection, then we can find the image. Okay, we can find the nature of image, position of image. Let's see an example. Like image formation by plane mirror. Okay, image formation by plane mirror. Image formation by plane mirror. Okay, so it is our plane mirror, you know very well, it is plane mirror. And from right hand side, it is silvered and left hand surface is reflecting surface. Okay, and this is the normal, this is normal. Okay, and let us consider an object AB, an object AB placed just in front of this mirror AB. Now whenever we want to find the image by reflection, what we have to use? Always we have to use two ray diagram hamesha use kar. Okay, so what we have to do, we have to emit two rays
फ्रॉम द सोर्स, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, है ना। हमको हमेशा दो रे इमिट करवानी है ऑब्जेक्ट्स, ओके। तो हम दो रे इमिट करवा देते हैं किसी भी डायरेक्शन में, ये एक डायरेक्शन ले लो, ठीक है, ये इसके साथ में ही दूसरा डायरेक्शन ले। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करना है, ये इंसिडेंट रे है, ओके, ये इंसिडेंट रे है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग नॉर्मल के साथ में जितना एंगल बनता है इंसिडेंट रे का, सेम एंगल विल बी ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो ये हमने एक नॉर्मल बनाया, यहाँ पर भी एक नॉर्मल बनाया, और जितना एंगल इंसिडेंट रे का था ये, उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे का भी बना दी, ओके। तो अभी क्योंकि मुझको पता है कि इमेज कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, तो एक इमेज यहाँ पर बनेगा, है ना। अभी मैं आपको ग्राफिकली भी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, प्रैक्टिकली तो आपको पता है। अगर आपको प्रैक्टिकल कन्फ्यूज़न है कि कैसे इमेज बनेगा, तो आपका चेहरा मिरर में देख लो, ठीक है, उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगा, उतनी ही साइज़ का बनेगा, बशर्त है मिरर शुड बी प्लेन मिरर। अगर आप कर्व मिरर की बात करोगे तो पॉसिबल नहीं है, ना। जैसे कि अगर जो साइड मिरर होते हैं हमारे कार के या बाइसिकल के, जो साइड मिरर होते हैं वो कर्व मिरर होते हैं, ठीक है, तो उनमें नहीं आप बोल पाओगे ऐसा, ठीक है। प्लेन मिरर की बात करेंगे तो प्लेन मिरर में उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगा जितनी ही डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट था, इमेज विल बी एट एग्जैक्टली इक्वल डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट, एंड साइज विल ऑल्सो बी इक्वल, इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको पता है, ठीक है, है ना। आप हमेशा कुछ कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि वर्चुअल इमेज को कभी भी हम स्क्रीन पर डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, वर्चुअल कभी भी स्क्रीन पे नहीं बना सकते, ठीक है, वी कैन नॉट ऑब्जर्व वर्चुअल इमेज ऑन स्क्रीन, ओनली रियल इमेज कैन ऑब्जर्व, ओके, ओनली रियल इमेज कैन ऑब्जर्व, ओके। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसा गिवन होगा, इमेज इज ऑब्जर्व ऑन स्क्रीन एट डिस्टेंस फलाना, ओके, तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि वर्चुअल इमेज का नहीं, रियल इमेज का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना, ओके। तो छोटा छोटा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको याद रखना है, ओके। बोर्ड क्लास, टेंथ बोर्ड क्लास के कॉन्सेप्ट याद रखना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, बट इफ़ यू आर प्रिपेरिंग फॉर KVPY, इफ यू आर प्रिपेरिंग फॉर NTSC, इफ यू आर थिंकिंग फॉर, यू हैव टू मेक यूर कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर, ओके। सो यहां ये जो रिफ्लेक्शन के बाद में रेज होगी, जरा ध्यान से देखो, ओके, वो कुछ ऐसी जाएगी, ठीक है, और दूसरी रे कुछ ऐसी जाएगी, ठीक है। अब अगर हम यहां से देखते हैं, ठीक है, यहां से देखते हैं, ठीक है, तो हमको ऐसा लगेगा, वैसे ये जो मैंने जो पाथ, ये रेज यहां से बनाई, एक्चुअल में रेज यहां से नहीं है, ये वाली रे को मैं अभी डैश कर देता हूं, ये अपीयर, ऐसा लग रहा है कि रेज कमिंग फ्रॉम दिस ए डैश, ठीक है, ए डैश, तो एक्चुअल में जो रेज हैं वो जिस डायरेक्शन में मैं एरो बना रहा हूँ, जिस रेज पर मैं एरो बना रहा हूँ वही है एक्चुअल, पर यहाँ से देखने पे लगेगा कि यहाँ पर आ रही, ओके, तो ये इमेज फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअली नॉट मीट, दिस आर डाइवर्जिंग रेज, हमेशा ध्यान रखना, प्लेन मिरर के सामने जब कभी ऑब्जेक्ट को आपने रखा तो उससे जो रेज रिफ्लेक्ट होगी वो डाइवर्जिंग होगी, डाइवर्ज होगी, इनफाइनाइट तक जाकर कहीं मिलेगी नहीं, पर अगर हम उनको देखेंगे तो हमको यहाँ से आती हुई लगेगी,
ओके, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो, ठीक है, तो अगर कन्वर्जिंग रेज होगी, कन्वर्जिंग रेज होगी, ठीक है, तो फिर आगे जाके कहीं मिलेगी और वहां पर रियल इमेज बनेगा, पर वो थोड़ा सा अलग केस है, वो अभी आप बाद में समझ पाओगे। तो यहां पर हमेशा जब कभी आप किसी भी इमेज की बात करोगे, ओके, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट एनी टाइप ऑफ इमेज बाय एनी फिनोमेना लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन किसी से भी इमेज बना, रिफ्लेक्शन से बना या रिफ्लेक्शन से बना, किसी से भी बना, तो इमेज का चार प्रॉपर्टीज, चार केस आपको याद रखना। पहला लोकेशन, पहला क्या याद रखना, लोकेशन, ओके, तो इस केस में लोकेशन कहाँ पर है, इस केस में लोकेशन कहाँ, जरा ध्यान से देखो, इस केस में लोकेशन कहाँ पर है, लोकेशन जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतना ही डिस्टेंस पे इमेज होगा, ठीक है, एट सेम डिस्टेंस, एट सेम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ इमेज बट बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। तो पहला आपको ये पता होना चाहिए कि इमेज कहाँ पे बन रहा है ना। दूसरा वही फाइंड करना होता है, दूसरा साइज, साइज ऑफ इमेज, इसको आगे जाके हम मैग्निफिकेशन कहेंगे, ठीक है, साइज ऑफ इमेज, तो यहां पर इक्वल साइज, इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बनेगा। अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो मिरर में अपना चेहरा देख लो, ठीक है। थर्ड केस, प्लेन मिरर होना चाहिए। थर्ड केस, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज में दो केस है, ठीक है, पहला ए लिख देते हैं उसको, पहला वो रियल है कि वर्चुअल, तो यहां पर वर्चुअल इमेज है। दूसरा बी, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, तो यहाँ पर इरेक्ट है, हमको पता है वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्टेड होती है, इरेक्ट इमेज होती है। तो ये चार केस आपको याद रखना है, ठीक है, जब कभी इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। अभी हम प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर के लिए बता दें, सो इन केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, दिस फोर यू कैन से प्रॉपर्टीज, ओके, फोर पैरामीटर्स ऑफ image you have to remember, but first is the location will be behind the mirror as equal distance, at equal distance as the object, size will be equal, virtual and erect, okay, so this is image formation by plane mirror, okay, image formation by plane mirror. अब जब कभी आप थोड़ा सा logical question की तरफ जाते हैं तो एक छोटा सा question आता है कि अगर आपको कंप्लीट इमेज आपका देखना है तो लेंथ ऑफ मिरर क्या होना चाहिए, ठीक है, जरा ध्यान से समझो कैसे उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, कैसे समझेंगे, ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जस्ट अ मिनट।